आज के वीडियो में बात करेंगे फोटोशॉप 2022 के ऊपर। तो आप सभी को काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी फोटोशॉप 2022 के अंदर कि हमें न्यूरल फिल्टर्स को इनेबल कैसे करना है, वो नॉन क्लिकेबल है या फिर इनेबल हो भी गया है तो उसमें डाउनलोडिंग की प्रॉब्लम आ रही, एरर हो जा रहा है फिल्टर जब भी आप डाउनलोड कर रहे हैं। तो बिना देखे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा फोटोशॉप 2022 ही ओपन है और यहाँ पर अगर हम फिल्टर के अंदर जाते हैं, यहाँ पर आपको न्यूरल फिल्टर्स जो हैं वो अभी शो नहीं हो रहे हैं, नॉन क्लिकेबल हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये फिल्टर ओपन होके नहीं आ रहा है बिकॉज ये इंटरनेट के थ्रू वर्क करता है। तो यहाँ पर क्लाउड डेटा के लिए आपका कोई भी अकाउंट होना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हेल्प के अंदर जाएंगे हम, देन यहाँ पर आपको साइन इन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, नीचे आपको अपडेट भी दिया गया है, साइन इन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आने के बाद आपका कोई भी एडोब अकाउंट है तो उससे भी आप साइन इन कर सकते हैं, बट यहाँ पर गूगल का भी ऑप्शन मिलता है आपको, उससे भी आप साइन इन कर सकते हैं। फटाफट से अपना ईमेल एड्रेस पासवर्ड एंटर करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे। सेकेंडरी ईमेल एड्रेस ये हमसे फिल करने को बोल रहा है बट यहाँ पर नॉट नाउ पर क्लिक करेंगे एंड इतने में हम अपने साइन इन कर लेंगे। सो गाइस अगर हम अब फिल्टर के अंदर जाते हैं तो अभी भी आपको न्यूरल फिल्टर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है बिकॉज इसको आप क्लोज करेंगे, देन आपको इसको दोबारा से ओपन करना है, उसके बाद में वहां पर शो हो जाएगा न्यूरल फिल्टर का आइकन। एंड फिर से फिल्टर के अंदर चलते हैं और आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर न्यूरल फिल्टर जो ऑप्शन है वो क्लिकेबल हो चुका है, सिंपल सा इस पर क्लिक कर सकते हैं एंड न्यूरल फिल्टर जो है यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं राइट साइड में हमारे शो हो जाएगा, ये अभी लोड हो रहा है। गाइस यहाँ पर अभी हमारी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई बट यहाँ पर इसकी जो डाउनलोडिंग वाली प्रॉब्लम है वो अभी यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पाई है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको कर देते हैं क्लोज यहां से एंड आपको फोटोशॉप को भी क्लोज कर देना है। उसके लिए जाएंगे विंडोज के आइकन पर और यहां पर आपको सर्च करना है एडिट सिस्टम एनवायरनमेंट, इसको सिंपल सा आपको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद क्या करेंगे, दिस पीसी के अंदर जाना है और आपकी जो भी ड्राइव है जिसमें भी आपने विंडोज को इंस्टॉल कर रखा है उसको ओपन करेंगे सिंपल सा एंड यहां पर फोल्डर क्रिएट करेंगे टेम्प नेम से। इसको ऐसे ब्लैंक रहने देंगे, देन आप क्लोज भी कर सकते हैं। एनवायरमेंट वेरिएबल के ऊपर हम सिंपल सा क्लिक करेंगे, देन यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं आपको दो फोल्डर शो हो रहा है टेम्प एंड टीएमपी। यहां से सिंपल सा हम टेम्प पर क्लिक करते हैं, एडिट पर क्लिक करेंगे एंड ब्राउज डायरेक्टरी पर हम क्लिक करेंगे। यहां से आने के बाद दिस पीसी के अंदर जाएंगे और जिस भी ड्राइव में आपने फोल्डर बना रखा है टेम्प वहां पर सिंपल सा उसको सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, देन फिर से ओके कर देंगे। एक हो गया हमारा, सेकंड वाले में भी सेम प्रोसेस करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे, ब्राउज डायरेक्टरी एंड इसको भी वैसे ही ओपन करेंगे। टेम्प पर क्लिक करने के बाद फिर से ओके पर क्लिक करेंगे। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं टेम्प एंड सेकेंड वाला भी हो गया टेम्प, ओके पर क्लिक करेंगे, इसको भी ओके पर क्लिक कर देंगे, देन हम फोटोशॉप को दोबारा से लॉन्च करेंगे एंड गाइस न्यूरल फिल्टर के अंदर आने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डाउनलोडिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। आपको जो भी प्रोसेस मैंने किया उसको स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है, देन आपका जो भी डाउनलोडिंग प्रॉब्लम है या फिर फिल्टर इनेबल नहीं हुआ है तो सारी चीजें आप कर सकते हैं, उसके बाद में सिंपल सा आप डाउनलोड करने के बाद फिल्टर्स को यूज भी कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम फोटोशॉप 2021 के अंदर भी थी, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, चैनल पर अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।